आज दिन विशेष कार्यक्रम में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में हमारे साथ नागपुर के सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश सोनकुसरे जी हमारे साथ है। आइए जानते हैं हेपेटाइटिस के विषय में विशेष चर्चा। सर, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, लोगों में हेपेटाइटिस की जागरूकता नहीं है। सर, क्या होता है ये हेपेटाइटिस और क्या होते हैं इसके प्रकार? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश सोनकुसरे है और मैं एक पेट, लीवर और आंतरी विशेषज्ञ हूँ। मैं गटकेयर क्लिनिक नाम से अपना क्लिनिक चलाता हूँ और मैं श्योरटेक हॉस्पिटल में भी अटैच हूँ। हेपेटाइटिस एक सरल भाषा में देखा जाए तो लीवर की कोशिकाओं पे सूजन आना होता है, उनका क्षतिग्रस्त होना होता है और उनका जो स्वाभाविक तरह से काम करना होता है उसमें बाधा आती है। इसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस का कारण उसका संक्रमण होना या क्षतिग्रस्त होना होता है। सर, हेपेटाइटिस के कौन कौन से प्रकार होते हैं और इसमें से कौन सा प्रकार जो सबसे ज़्यादा घातक होता है? हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं जिसमें हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस में, इन सभी प्रकारों में से वायरल हेपेटाइटिस ज़्यादा घातक होता है क्योंकि इनमें जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं ये बहुत बार सेल्फ लिमिटिंग यानी अपने आप ठीक होने वाले हेपेटाइटिस करते हैं, परंतु 1% लोगों में ऐसा हो सकता है कि उनका लीवर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए, जिसको हम एक्यूट लीवर फेलियर बोलते हैं। और ऐसे केसेस में अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो पेशेंट के बचने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी और सी। ये हेपेटाइटिस क्रोनिक हेपेटाइटिस बना सकते हैं, जिस यानी कि इन्फेक्शन काफ़ी दिनों तक, सालों तक चल सकता है और जिसके वजह से लीवर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और उस वो सिरोसिस में परिवर्तित हो जाता है और उसमें कभी कैंसर भी बन सकता है। इसीलिए वायरल हेपेटाइटिस ज़्यादा खतरनाक होता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की बात करें तो ये आम हो चुका है कि कई लोगों को अक्सर हेपेटाइटिस देखा जाता है ज़्यादा दारू का सेवन करने की वजह से, तो ये किस तरह का होता है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस देखा, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा दारू का सेवन करने से होता है, सही बात है। और ये ऐसा भी होता है कि अगर कोई पेशेंट ने दारू बंद भी कर दी है तो अगले 2 महीने में भी उसमें हेपेटाइटिस होने की संभावनाएं रहती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस अल्कोहल की डैमेज की वजह से भी होता है और कुछ बार ऐसा भी होता है जिसमें हम केमिकल भाषा में अडक्ट्स कहते हैं, वैसा होता है कि जो अल्कोहल जो बॉडी में कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में, उसके साथ शरीर के लीवर के कुछ प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं और एक तरह का ऑटोइम्यून रिएक्शन पैदा करते हैं जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस होता है और कई दिनों तक चल सकता है। पीलिया और हेपेटाइटिस लक्षण एक जैसे होते हैं, क्या समानता या क्या इन दोनों में एक समानता देख सकते हैं हम पीलिया और हेपेटाइटिस? बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं हमें सफ़ेद पीलिया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं हमें पीला पीलिया हुआ है। तो एक्चुअली सफ़ेद पीलिया यानी शरीर में खून की मात्रा कम होना, जिसे एनीमिया कहते हैं, और जो पीला पीलिया रहता है वो एक्चुअली हेपेटाइटिस ही रहता है। और ऐसा भी होता है कि बिना हेपेटाइटिस के कुछ कैंसर्स में अगर जो पित्त की नली है होती है उसमें अगर अवरोध उत्पन्न होता है तो भी पीलिया हो सकता है, तो वो पीला पीलिया रहता है। और ऐसे केसेस में हमें उसे हेपेटाइटिस नहीं कहते लेकिन उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। और अगर डायरेक्टली लीवर पे अगर कोई संक्रमण या क्षति होती है, जैसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया अलग अलग प्रकार के हेपेटाइटिस को, वो हेपेटाइटिस कहलाता है। सर, हेपेटाइटिस ये जो रोग है या इसे संक्रमण कह सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं? शुरुआत में जब संक्रमण होता है तो कई लोगों को बुखार आना, कमज़ोरी रहना, थकावट लगना, भूख न लगना, उल्टियाँ होना, और जब ज़्यादा हो जाता है तो कुछ लोगों में जैसे पेट में दर्द होना या फिर आँखें और
पेशाब में पीलापन आना भी होता है। बहुत कुछ कम लोगों में खुजली भी आती है। हेपेटाइटिस के संक्रमण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस के संक्रमण का मुख्य कारण वायरल हेपेटाइटिस ही होता है, और उसका कारण मुख्यतः खान पान में से होता है। जैसे कि हमने देखा कि हेपेटाइटिस ए और ई, ये दोनों इन्फेक्शंस हमें दूषित पानी या दूषित खाने से होती है। अगर निदान संबंध में बात की जाए तो कैसे इसका निदान होता है, क्या इसके निदान माने जा सकते? निदान करने के लिए हमें दो तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे एक तो हेपेटाइटिस है या नहीं, और दूसरा होता है कि हेपेटाइटिस का कारण क्या है, कारण ढूंढने के लिए। तो हेपेटाइटिस है या नहीं इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बिलीरुबिन बढ़ रहा है, उनके लीवर के एंजाइम जिसको हम एएसटी या एएलटी कहते हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि इनको हेपेटाइटिस है। और हेपेटाइटिस के कारण के लिए हम हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए एचबीएस एंटीजन, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए एनटीएससीवी, और ई और ए के लिए आईजीएम ये टेस्ट करते हैं। अगर हम इनको इन टेस्ट में हमें कारण का पता नहीं चलता है तो हम सोनोग्राफी का भी सहारा लेते हैं कि हम देखते हैं कि नीचे कहीं पित्त की थैली में रुकावट तो नहीं है, या इसमें से भी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कारण क्या है, तो कभी कभी पेशेंट के लीवर की बायोप्सी भी करना पड़ता है, जैसे कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में। सर, बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में कितनी होती है तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति पीलिया या फिर इस संक्रमण से ग्रसित है? इसमें बिलीरुबिन में दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और टोटल बिलीरुबिन हम दोनों के मिलाप को कहते हैं। टोटल बिलीरुबिन की मात्रा जनरली सभी लोगों में 1.2 से तक मानी जाती है। अगर किसी पेशेंट को पीलिया आँखों में दिख रहा है तो जनरली उन लोगों का जो बिलीरुबिन होता है 2.5 के ऊपर होता है। अगर लेकिन 1.2 और 2.5 के बीच में उसका बिलीरुबिन है तो आँखें पीली नहीं दिख सकती है, लेकिन खून में हमें पता चल जाएगा। हेपेटाइटिस के अगर हेपेटाइटिस संक्रमण के ऊपर उपाय की अगर हम बात करें तो क्या क्या उपाय इसके ऊपर हो सकते हैं? जैसे कि हमने कहा कि हेपेटाइटिस, कुछ प्रकार के हेपेटाइटिस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, ई और एक्यूट हेपेटाइटिस बी। लेकिन 1% लोगों में लीवर फेल्योर का होने का चांस रहता है। तो इन तीनों में शुरुआती चरण में हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी पेशेंट को आईवी फ्लूड्स देना, जिससे कि वो डिहाइड्रेशन में ना जाए, पेशेंट को सही मात्रा में कैलोरीज आना चाहिए, तो उसके खान पान का ध्यान रखना है, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमें उनको अगर कहीं भी साथ साथ में और कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, या फिर हमें उनके मल्टीविटामिन देना चाहिए। दूसरे रहता है कि अगर किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस हो रहा है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या सी, तो इन लोगों में हमें एंटीवायरल्स यानी वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली दवाइयाँ जिनको एंटीवायरल्स कहते हैं वो चालू करना पड़ता है। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तो काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई है, जिससे उनका हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी के लिए जो दवाइयाँ हैं वो हमें निरंतर चालू रखनी पड़ती है, जब तक कि हमें कुछ टेस्ट में पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता है। तो ये होता है वायरल हेपेटाइटिस के लिए। फिर दूसरा होता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, उसके लिए हमें कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स चालू करने पड़ते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को थोड़ा कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से लीवर का डैमेज रोक सके। तो उसमें हम स्टेरॉइड्स, अज़ाथियोप्रिन नाम की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। रहता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, उसका भी ट्रीटमेंट जनरली सपोर्टिव रहता है, और कुछ लोगों में हमें स्टेरॉइड्स भी यूज़ करना पड़ता है। ये तो थी हेपेटाइटिस के उपाय संबंध में जानकारी। सर, अगर हम रोकथाम के विषय में बात करें तो क्या ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए जिसमें हम इन रोगों से बच सकते? आपका कहना एकदम सही है, हमारी जीवन शैली बहुत ही साफ सुथरी रहनी चाहिए। देखा गया है कि हमने हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में जाना है, तो ये दूषित पानी और दूषित खाने से होते हैं। तो हमें बाहर का खाने से जहाँ तक हो सके
दूर रहना चाहिए, और किसी हालात ऐसे हो कि हम नहीं रोक पा रहे खुद को, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब हम खाना ही पड़ रहा है, तो हमें साफ सुथरी जगह से खाएं। बाकी जो दूसरे वायरसेस रहते हैं बी और सी, उनका हम उस उनको रोकने के लिए हमारे जीवन शैली में हमें काफ़ी सुधार करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमें स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहिए कभी भी, तो हमें अगर कहीं छोटे बच्चे से लेके हम अगर देखते हैं तो उसके कान टोचने से लेके ऑक्यूपेंचर के लिए हमें स्टेराइल नीडल्स यूज़ करनी चाहिए।